खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड तक की तीसरे दर्जे की यात्रा में गांधी को कोई असुविधा नहीं हुई थी और वे सत्याग्रह के दिनों के फैसले के चलते हिंदुस्तान भी तीसरे दर्जे में जाना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। उस यात्रा के अपने अनुभवों के बारे में गांधी ने कहा, उनके और हमारे यहाँ के तीसरे दर्जे में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ सोने बैठने की जगह मुश्किल से मिलती है, उनके तीसरे दर्जे में काफी जगह थी, सफाई भी। ऐसी यात्रा से क्या परेशानी होती? मुश्किल ये थी कि पीएनओ कंपनी के जिस जहाज से उन्हें यात्रा करनी थी उसमें तीसरे दर्जे के टिकट थे ही नहीं। मजबूरी में मन महसूस कर गांधी को दूसरे दर्जे के दो टिकट खरीदने पड़े। यात्रा की तैयारी के सिलसिले में गांधी ने फलाहारी भोजन की कुछ पोटलियां साथ रख ली। इन्हें वे दक्षिण अफ्रीका से बांध कर लाए थे। खाने पीने का ऐसा सामान जहाजों में मिल नहीं पाता था। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में इंग्लैंड से चलने से पहले डॉक्टर मेहता ने एहतियातन उनके शरीर को कई जगह प्लास्टर की पट्टी से बांध दिया, मजबूती से। सलाह थी कि ये पट्टियां उतारी न जाएं। गांधी को पट्टियों की वजह से काफी असुविधा थी, सबसे बड़ी ये कि वो नहा नहीं सकते थे, चलने फिरने की दिक्कत अलग। डॉक्टरों की राय पर उन्होंने दो दिन पट्टियां बर्दाश्त की, फिर थोड़ी मेहनत से उन्हें खुद उतार डाला और नहाने धोने की आजादी हासिल कर ली। उस समय इंग्लैंड में कड़ाके की ठंडक थी और बर्फ गिरने के आसार थे। मौसम विभाग सन 1914 को शताब्दी का सबसे ठंडा वर्ष घोषित करने की तैयारी में था। दरवाजों के बाहर से बर्फ हटाने के लिए लोगों ने नमक की बोरियां खरीदनी शुरू कर दी थी, हालांकि बर्फ एक हफ्ते से नहीं गिरी थी। जहाज एसएस अरेबिया स्वेज की खाड़ी पार करके अदन पहुंच रहा था। गांधी को अदन का इलाका अपने मित्रों और मौसम की वजह से घर जैसा लगा, कुछ शायद इसलिए भी कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा था। ये यकीनन उस इलाके की हवाओं ने किया होगा। बंबई पहुंचने तक इन हवाओं से बीमारी तो गई ही, बकौल गांधी, मन का डर भी चला गया। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।